बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द कोलेलिथियसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सर्जरी में। इसके बच्चों को समझ नहीं आती तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। कोलेलिथियसिस गॉल स्टोन जो होती है ना, वो तीन तरह की होती है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो सकती है, पिगमेंट स्टोन हो सकती है, इसके अलावा मिक्स स्टोन हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर आपने 4 F याद रखनी है, फीमेल, 40, फैटी और फर्टाइल, ठीक है। पिगमेंट स्टोन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ब्लैक और ब्राउन। ब्लैक जो होते हैं ना, ये कैसे बनते हैं, जब भी थैलेसीमिया हो मतलब आरबीसीज टूट रहे हैं तो उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टोन्स बना रही होती हैं, ठीक है। ब्राउन पिगमेंट से होते हैं कि ज़्यादातर बाइल डक्ट में बनते हैं, ड्यू टू द जब भी बिलिट्री का इन्फेक्शन हो जाएगा ना, कोई भी ईकोलाइक क्लेब्सिला बॉडी टैलेंट से किसी का भी इन्फेक्शन होगा तो उससे स्टोन बन जाते हैं, ठीक है। बिलिट्री गॉल स्टोन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, अगर तो गॉल ब्लैडर में स्टोन जमा हो गया तो वो क्या करते देंगे, हम पाइमा कर सकते हैं, परफोरेशन, म्यूकस सील, कोलेसिस्टाइटिस, एक्यूट क्रॉनिक बिलिट्री कोलिक कार्सिनोमा कॉज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि अगर बाइल डक्ट में बन जाए तो क्या होगा, कोलेंजाइटिस होगा, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, मेरीसी सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस हो सकता है। इंटेस्टाइन में बन जाए तो कोलेसिस्टोड्यूटिनल फिस्टुलास बन जाते हैं, ठीक है, इसके आते हैं, तो ये आपने अच्छे से कर लेना। अब हम देखेंगे कोलेसिस्टाइटिस, कोलेलिथियसिस की वजह से जो सिम्टम आते हैं, एक्यूट कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। कैलकुलस का मतलब है स्टोन, ठीक है, और कोलेसिस्टाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। ज़्यादातर ये किन पेशेंट्स में आकर होती है, विद प्री एग्जिस्टिंग, जिनको पहले से क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस हो उसमें हो सकती है। और इनका जो मेन है इसमें स्टोन जो होती है वो कहाँ पर मतलब बस जाती है, आकर ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है हार्ट मैन पाउच में, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी सिस्टिक डक को। स्टोन जो है ये कॉज करती है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टिक डक, इन द हार्ट मैन पाउच। ऐसे करके जो हार्ट मैन पाउच आगे से बना होता है ना, वहाँ पे जाके ये बन जाती है, ब्लॉक कर देती है, ठीक है। जब वहाँ पे स्टोन होगी तो वहाँ पे एडिमा होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर वहाँ पर म्यूकोसा इरोड होगा तो क्या होगा, दिस अलाउज टू एन एक्ट अपॉन सो नो ऑन द म्यूकोसा सरफेस, फिर वो म्यूकोसा में चल जाएगा, फिर नेक्रोसिस हो जाएगी, इसी तरह परफोरेशन भी कॉज हो सकती है। इसके सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म जो है वो है ईकोलाई, ठीक है। फिर इसके बाकी सारे देखने सब सोडोमोनासी सब होते हैं। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स देखें, ये जो डायग्नोस आपने करनी है बेसिकली इसी से पता चले, सडन ऑनसेट ऑफ द पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है, सॉफ्ट टेंडर स्मूथ गॉल ब्लैडर मिलेगा, जॉन्डिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसमें 9 और 11 जो रिब्स होती है ना पोस्टीरियरली, वहाँ पे क्या होगा, हाइपर एस्थीसिया हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉस साइन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको फीवर, नोजिया, टॉक्सिक टैकीकार्डिया मिलेगी। इसके अलावा मर्फी साइन पॉजिटिव होगा, जैसे ही बंदा जब सांस उसे कहेंगे ना सांस होगा, वो अपनी जब उसको टच करेंगे, इसके अलावा जब वो इंस्पिरेशन करेगा तो उसको पेन होगी, आपने एब्डोमेन पे उसको टच करें और फिर मतलब उसके फेस को देखेंगे तो उसको पेन फील हो रही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्पिरेटरी अरेस्ट अराइज ड्यूरिंग द डीप पल्पेशन, जब आप डीप पल्पेट करेंगे वो अपनी सांस को रोक लेगा, ठीक है, जब अपनी सांस को क्यों रोक रहे, क्योंकि जैसे प्राइटर पेरिटोनियम गॉल ब्लैडर से टच करती है तो उसे पेन होती है। अब आपने इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी, मैंने आपको पहले बताया था, आपने सबसे पहले एक्सरे कराना होता है, एक्सरे के अंदर आप देखेंगे कोई एयर तो नहीं है, ठीक है, स्टोन तो नहीं है, 10% स्टोन जो रेडियो, फिर आपने अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, अल्ट्रासाउंड में आपको पता चलेगा आइदर स्टोन है कि नहीं है, थिकनिंग देखेंगे गॉल ब्लैडर की, फिर आपने वही डाइमिथाइलामिक एसिड का जो है रेडियो आइसोटोप होता है ये करवाना होता है, एलएफटीज भी करवा लेते हैं, इसके अलावा टोटल आउट भी, क्योंकि इसके अंदर फीवर और ल्यूकोसाइटोसिस होगी। अब इसकी डीडीज के अंदर क्या आ सकता है, ड्यूटिनल परफोरेशन हो सकती है, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, पैंटेसाइटिस है, पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट को, ठीक है, फिर इनिशियल कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव में आपने क्या करना होता है, एंटीस्पिरेशन करनी होती है, नथिंग पर ओरल एनाल्जेसिक देंगे, एंटीस्पाजमोटिक देंगे, एंटीबायोटिक आईवी फ्लूइड ऑब्जर्व करेंगे, फॉलोअप करेंगे, ठीक है। और फिर आप क्या कहेंगे कि 3 to 6 वीक के बाद क्या करनी होती है, इलेक्टिव कोलेसिस्टेक्टमी होती है और एक एमरजेंसी। इलेक्टिव जो होती है जिसको आप डिसाइड करते हैं कि इतने दिनों बाद आपका ऑपरेट होगा, लेकिन एमरजेंसी के अंदर आपने एमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टमी हमें कब कब करनी पड़ जाती है, अगर तो इतने सारा सिम्टम्स सीवियर हो गया, परसिस्ट कर रहे हैं, एल्डर परफोरेशन हुई है, इसके अलावा गॉल ब्लैडर में पस आई हुई है, एम्पायमा हो गया, ठीक है। इन द एमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टमी गॉल ब्लैडर इज ओपन, एमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टमी में क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर ओपन करते हैं, स्टोन को रिमूव करते हैं, ठीक है, और फिर आप फोलियर कैथेटर जो है वो प्लेस कर देते हैं, और ठीक है। अब इसकी समझ आ गई इसके अंदर सिनेरियो हमें बेसिकली कैसे दिया होगा, अभी मैं इसको आपको इसके यूक्यूज दिखाती हूँ। इसमें देखें पेशेंट 40-year-old मेल है, आर्टिस्ट इज रेफर टू बाय द गायनोकोलॉजिस्ट, शी हैड एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी डन फॉर द सम गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम। 40-year-old टेलीवियन आर्टिस्ट है, नोट मेल, ठीक है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शोज द गॉल स्टोन, ये एडवाइसर कोलेसिस्टेक्टमी, ठीक है, साइलेंस टेल हर इफेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताइए गॉल ब्लैडर में क्या हो सकती है, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस क्रॉनिक हो सकती है, पाइमा हो सकती है, म्यूकोसील हो सकती है, कार्सिनोमा हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट, 44-year-old डायबिटिक वुमन प्रेजेंटेड टू द एमरजेंसी रूम विद 1 डे हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टेंट एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग, हर बाउल्स एंड ओपन नॉर्मली, नो यूरिनरी सिम्टम्स, फेब्राइल है, विद टेम्परेचर है उसको पल्सेट हाई हुआ है, नॉट क्लिनिकली जॉन्डिस में नहीं होगा, ठीक है। She is found to have the severe tenderness in the right upper quadrant में pain है, ठीक है, यूरिन इज द क्लियर एंड रेक्टल एग्जामिनेशन इज नॉर्मल। तो अब देखें इसके अंदर क्या होगा, मोस्ट क्लिनिकली डायग्नोस पेन है, फीवर भी है उसे और पल्स भी हाई है, तो इसमें क्लिनिकल डायग्नोस क्या होगा, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है। अब देखें जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट उन्होंने पूछा है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसके अंदर क्या होगा, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आपने उसे सबसे पहले तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना होता है, फिर उसके बाद आपने एमरजेंसी या फिर इलेक्टिव कोलेसिस्टेक्टमी करनी होती है। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो सकती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि
इसकी क्रॉनिक में जा सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है, पर ये सब लिखते नहीं है. नेक्स्ट देखिए, 40 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विद स्वेयर कोल्ड की पेन इन द एपिकेस्टम रेडिएटिंग टू द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम प्रेजेंट फॉर द लास्ट ओवर. देयर इज एसोसिएटेड रेचिंग एंड द वॉमिटिंग. इसमें सिमिलर एपिसोड पेन इन द एब्डोमेन, सॉफ्ट है और नॉन टेंडर है. पल्स और बीपी उसका हाई है. टेम्परेचर इज नॉर्मल बट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. यहाँ पे वॉमिटिंग की हिस्ट्री आ गया तो ये क्या होगा, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस. हाउ वुड यू मैनेज इट, जो मैंने आपको कंजर्वेटिव और सर्जिकल बताया. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन आपने बतानी है. पहले हमने क्या करवाना होता है, एक्सरे, फिर अल्ट्रासाउंड, फिर आपने क्या करवाना है, ERCP, फिर आप MRCP, फिर PTC और फिर वो रेडियो माने एसटी केसिड वाला. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 40 ईयर ओल्ड लेडी प्रेजेंट विद पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रिया विद रेडिएशन टू द राइट शोल्डर. ये इसका मैं साइन पड़ा है. जॉन्डिस विद टेम्परेचर, व्हाट इज योर एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन प्लान. इन्वेस्टिगेशन प्लान अगर तो आपको जो मैंने वीडियो बनाई है इन्वेस्टिगेशन ऑफ पिट्यूटरी, आप वो भी लिख सकते हैं. ठीक है,